अभी यहाँ पे पंजाब हरियाणा में पोल्ट्री ज़्यादा है तो कंजम्पशन उतनी कम है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में इतनी, इसलिए हमें अंडे सारे बंगाल बिहार बंगाल और आसाम भेजने पड़ते हैं। जबकि एक आंध्र प्रदेश जैसी छोटी स्टेट है, वहाँ पे हर एक 4.5 करोड़ अंडे की डेली की खपत है। अपने पंजाब हरियाणा यूपी में बहुत ही कम कंजम्पशन है। स्वागत है आप सबका एग्रीअप न्यूज़ से, मैं हूँ शिवाकांत और आज हमारे साथ है नैक के चंडीगढ़ जोनल प्रेसिडेंट मिस्टर प्रवीण गर्ग। तो आज हम यहाँ पे आए हैं इनका फार्म देखने के लिए और आज इनसे जानेंगे कि कैसे एक पोल्ट्री फार्म रन करता है। तो सर, जैसे कि हमने आपका फार्म देखा, काफ़ी बड़े एकड़ में, 14 एकड़ में आपका फार्म फैला हुआ, तो सर इसको कैसे आप रन करते हो, क्या क्या प्रोसीडियर्स होते हैं? एक्चुअली हमें डे ओल्ड चिक मिलते हैं, वो हम दूसरे फार्म में रेयर करते हैं। वहाँ पे डे ओल्ड चिक को 15 हफ्ते तक रखते हैं। अच्छा। तो 15 हफ्ते बाद वो यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं, तो अंडे वाला बर्ड फिर यहाँ पे अंडे फीड हमारी इन हाउस ही बनती है और अंडे फिर प्रोडक्शन शुरू हो जाती है 20 वीक्स के बाद, और 72 वीक्स तक फिर मुर्गी एफिशिएंटली अंडे देती है। 72 वीक्स के बाद हम कलिंग कर देते हैं उसकी। तो मतलब सर, आपके पास जब अंडे प्रोड्यूस हो जाते हैं उसके बाद फिर आप पैक करके इसको मार्केट में स्प्रेड करते हो, होलसेलर्स वगैरह के पास भेज देते हो? हमारे अभी यहाँ पे पंजाब हरियाणा में पोल्ट्री ज़्यादा है तो कंजम्पशन उतनी कम है, अवेयरनेस नहीं है लोगों में इतनी, इसलिए हमें अंडे सारे बंगाल बिहार बंगाल और आसाम भेजने पड़ते हैं। जबकि एक आंध्र प्रदेश जैसी छोटी स्टेट है, वहाँ पे हर एक 4.5 करोड़ अंडे की डेली की खपत है। अपने पंजाब हरियाणा यूपी में बहुत ही कम कंजम्पशन है। अच्छा। तो मतलब जैसे कोई नई मुर्गी है यहाँ पे तो उसको आप ग्रो 20 डेज लगते हैं उसको ग्रो करने में, 20 वीक्स लगते हैं उसे ग्रो करने में। 20 हफ्ते तक वो अंडे नहीं देती, 20 हफ्ते के बाद अंडे देने शुरू करती है। तो फिर कैसे आप इसकी देख रेख वगैरह करते हैं? वो उनके वैक्सीन जो भी शेड्यूल बने हुए हैं उनको कई तरह की वैक्सीन करनी पड़ती है, कई तरह के बॉडी वेट उनका मेंटेन करना पड़ता है, और जब प्रॉपर बॉडी वेट आ जाता है तो मुर्गों की कोई ज़रूरत नहीं होती, बॉडी वेट आने के बाद ही अंडे आने शुरू हो जाते हैं। मतलब सर, जब अंडे जब प्रोड्यूस हो गए फिर उन मुर्गियों का फिर आप क्या करते हैं? उनको बस रेगुलर खाना खिलाना पड़ता है और उसके बैलेंस डाइट देनी पड़ती है हमें, प्रोटीन एनर्जी माइक्रो न्यूट्रिएंट, उसके लाइसिन मिथाइनिन अमाइनो एसिड्स हैं जो हम मुर्गी को भी बैलेंस प्रोटीन देते हैं, तभी अंडे की प्रोडक्शन अच्छी आती है। तो एक प्रॉपर पोल्ट्री फार्म को हर महीने रन करने में कितने तक का आपको खर्चा आ जाता है? नहीं, ऐसे पर्टिकुलर नहीं है, मुर्गी 120 ग्राम के आसपास डेली दाना खाती है, तो जितनी कैपेसिटी होएगी उस हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हो भी 120 ग्राम एक मुर्गी ने रोज़ दाना खाना है। सर, जैसे कि हम यहाँ पे आप देख सक रहे हैं कि यहाँ पे आपका फार्म है, तो यहाँ पे जो जितने भी मुर्गे हैं ये अप्रॉक्स कितने दिनों की होंगी? ये अभी 28 दिन के हैं, ये 60 दिन तक यहीं रहेंगे, इसको हम चिक केज बोलते हैं। अच्छा। उसके बाद फिर ग्रोअर केज में चले जाते हैं 120 दिन के, फिर 120 दिन तक वहाँ रहते हैं, उसके बाद लेयर केज में चले जाते हैं, अंडा देने का उम्र शुरू हो जाती है। तो फिर इनको फीड या खाने में आप क्या क्या देते हैं इसमें? वो फीड फॉर्मुलेशन जो सिस्टम बना हुआ है प्रोटीन के लिए, सोयाबीन, ग्राउंडनट, मस्टर्ड, और एनर्जी के लिए हमें मक्की बाजरा और कभी कभी गेहूँ। यहाँ से ये कितने दिनों बाद बड़े वाले केज में जाएंगे जहाँ पे ये अंडे दे सकें? 120 से 140 दिन तक हमें उधर अंडा देना शुरू कर देते हैं, फिर बड़े केज में शिफ्ट कर लेते हैं। मतलब अभी 120 दिन तक ये जो छोटी मुर्गी अभी यहाँ पे रह के ग्रो करेंगी। हाँ जी। तो इनकी मॉनिटरिंग आप कैसे करते हैं? इनके जैसे मेडिकल इश्यूज वगैरह भी होते हैं, जैसे बर्ड फ्लू के बारे में हमें पता है, तो ये सारी चीज़ें आप कैसे मॉनिटर करते हैं? कंसल्टेंट हैं वो, जब भी वैसे वीकली विजिट करते हैं, नहीं तो जब भी जरूरत पड़े उनको बुला सकते हैं, उन्होंने PhD की हुई है पैथोलॉजी पे। अच्छा। तो जैसे आपने बताया कि 120 दिन के बाद जो छोटी मुर्गियाँ होती हैं उनको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो सर यहाँ मुर्गियों की फिर क्या देख रेख वगैरह होती है, कैसे उनके अंडे कलेक्ट करते हैं? यहाँ पे एग्रोल लगा हुआ है, उससे अंडे आ जाते हैं, आपको ये पिक्चर में भी दिख जाएगा। अच्छा, ठीक है। और फीडिंग के लिए फीड वाला सामने लगा हुआ है फीडर, इसको फीडर बोलते हैं, इसमें फीड डल जाती है और ऊपर निप्पल लगे हुए हैं, निप्पल से पानी पीती है ये। और मैन्योर करेक्शन है वो नीचे होती है, मैन्योर फिर साल में एक बार या दो बार निकलती है। अच्छा। तो वो सारी ऑर्गेनिक मैन्योर होती है, ये खेती में यूज़ होती है।
मतलब फिर जितने भी यहाँ पे जो लीटर कलेक्ट हुआ है यहाँ से, ये सब फिर मैन्योर के फॉर्म में कन्वर्ट हो गए, खेतों में चला जाता है। खेतों में चला जाएगा। तो 120 दिन के बाद जो मुर्गियों को यहाँ बड़े वाले फार्म में शिफ्ट कर देते हैं, यहाँ फिर उनके अंडे कलेक्ट किया जाते हैं और जो भी इनका लीटर और वेस्ट वगैरह होता है वो सब कलेक्ट करके खेतों और में भेज दिया जाता है एज अ मैन्योर, क्योंकि ये बहुत अच्छा खाद का भी काम करते हैं। तो आज हमने प्रवीण सर से जाना कि कैसे पोल्ट्री फार्म एक रन होता है, क्या क्या प्रोसीडियर्स होते हैं, कैसे उनकी केयर की जाती है। तो ऐसी हमारी बहुत सारी न्यूज़ के लिए जुड़े रहें एग्रीटेक न्यूज़ से। थैंक यू।